पूजा के सामान में सबसे पहले मैंने ये छन्नी ले लिया, उसके बाद से ये आपका अगरबत्ती लिया, फिर क्या कहते हैं इसमें मेरा करवा था ये लिया मैंने। करवा के साथ ये छोटा सा दीपक मुझे काफ़ी पसंद आया तो मैंने अर्घ के लिए ये दीपक ले लिया। और दो मेहंदी लेके आई थी, माँ ने दो मेहंदी मुझे दी, तो जो माँ ने मेहंदी थी दी हुई थी वो मैंने लगाई, बाकी दो मेहंदी मैंने रख दिया। मैंने सोचा कि चलो अभी आगे सामने छठ आने वाला तो छठ पूजा में काम आ जाएगा। और ये छूने वाली चीज़ें थी इसको मैंने ले लिया, तो मतलब गोल बत्ती नहीं थी, गोल बत्ती बोल के मैंने लिया। उसके बाद से ये करवा का ढकना लिया जिसमें चीनी भरा जाता है, ये चावल ले लिया मैंने करवा के अंदर भरने के लिए। नहीं, करवा ये लिया था मैंने अक्षत के लिए, चावल और गेहूँ लिया करवा के अंदर भरने के लिए, और कर ढकनी में चीनी भरा जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केटियाज डेली लाइफ। और आज भी मौसम इतना ख़राब हुआ है कि आज ये मार्केट निकलने नहीं दे रहा, लग रहा है कि मेरी करवा चौथ की खरीदारी हो नहीं पाएगी। ये मौसम पूरा बादल बादल के जैसा लगा हुआ, पूरा अंधेरा हुआ है घर में। इसके बाद देखिए रोज चिलचिलाती धूप रहती थी और 2 दिन से बारिश स्टार्ट हो गई है, तो मुझे लग रहा है कि अब मेरा शॉपिंग हो नहीं पाएगा। और जो ड्रेस सिलने के लिए दे थे वो भी लेके आना है, तो मैंने ऐसे जगह पर दे दिया है जहाँ ये लोग पहुँचते पहुँचते पहुँचेंगे, तो मेरा जाना नेसेसरी है। और आज वेदू को थोड़ा डॉक्टर भी दिखाना था, वो भी नहीं हो पाया। अब समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, हर बार गड़बड़ घोटाला मेरे साथ ही क्यों होता है। वेदू है कि ये मतलब सबसे पंगे लेते रहते हैं, मार्केट में भी आके ये सबसे पंगे ले रहे हैं। और कीचड़ इतना भरा पड़ा है, बारिश खत्म। सुनो सुनो, बारिश खत्म हुई तो हम लोग आए, जिसकी वजह से कीचड़ चारों तरफ भरा हुआ और ये चारों तरफ आगने के लिए जिद कर रहा है। तो हम लोग जिस दुकान पे स्पेस था वहीं पे हम लोग ले रहे हैं। आज की लागे बंडल अगरबत्ती अच्छे, हाँ कोई 100 टा ना 150 করে হ্যাঁ হ্যাঁ 100 কাটি আছে, 100 কাটি। কত টাকা? 40 টাকা। ঠিক আছে দিয়ে দাও। এই বেটা লাগবে লাগবে, একটা লাগবে। মতলব ইসকো হর জায়গা বচ্চো সে উলঝনা হ্যাঁ, মতলব ইসকো চ্যান নেই পহচান। এই একটা নারিয়েল লাগবে, আর কি লাগবে? কপুর দিয়ে দাও, কপুর 5 টাকা। उसको छोड़ के उसके पापा को कॉल करके बुलाना पड़ा, फिर उसको छोड़ना पड़ा। छोड़ने के बाद फिर मैं आई हूँ शॉप पे, क्योंकि उसके साथ रहना बहुत दिक्कत होती है। तो बारिश की वजह से कीचड़ हो गया, और कीचड़ से जब जब उसके जूते में कीचड़ लग रहा था तो वो परेशान हो जाता तो उसको गोल बत्ती उसको छोड़ के फिर हम लोग अभी सारा सामान लेके चलना है मंगलदीप। मंगलदीप में कुछ काम है तो वहाँ चलते। अभी मार्केट से रिटर्न हुआ गया, अब चलते हैं मंगलदीप, क्योंकि वहाँ से भी शायद कोई मीटिंग है, तो पता नहीं क्या होगा। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता, जब कोई काम रहता है तो इतना जल्दी जल्दी होता है कि कुछ समझ में भी नहीं आता और सारे काम आधे अधूरे रह जाते हैं मेरे। तो चलते हैं मंगलदीप।
तो फाइनली हम लोग मंगल दीप गाड़ी चलते हैं। चलो आएगा तो जरूर, काहे नहीं आएगा, तुम जो इतना आएगा। हम लोग शायद लेट हैं, 6:30 हो गए, 6 बजे अपॉइंटमेंट था यहाँ का, देखते क्या है। चलो जी रंजा, वो विजय दशमी के रिगार्डिंग ये मीटिंग था तो वो शेष हो गया। इसके बाद से एक और प्रोग्राम का आयोजन हुआ जो घर पे सबके मन बताऊँगी। तो हम लोग जब भी म्यूनसिपैलिटी से सॉरी मंगलदीप से जब भी वापस आए तो वहाँ पे तो मैं पहुँची तो मैं तो अवाक रह गई, क्योंकि सब पूरे प्रिपरेशन के साथ आए थे। जैसे यहाँ पे होता है कि विजयदशमी के बाद से सभी लोग एक दूसरे को जब भी मिलते हैं, जो एक दूसरे से विजयदशमी के बाद मिलते हैं तो उनको शुभ विजय कह के मतलब हम लोग में जैसे बधाई देते हैं या सेलिब्रेट करते हैं, वैसा होता है। तो ये काली पूजा तक चलता रहता है, मतलब ये जब भी लोग एक दूसरे से मिलते नहीं मिले रहते तो सबको शुभ विजय करके हग करते हैं या फिर नमस्कार करते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो ये मुझे पता नहीं था, फिर मुझे लगा कि विजयदशमी के दिन ही सबको शुभ विजय बोलना रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज गई तो मुझे पता चला। और इसका जैसे हम लोग में होली मिलन समारोह होता है तो उस तरीके से इसमें विजय सम्मेलन होगा हम लोग का। तो पहले होता था कि बीजपुर विधानसभा का एक ही जगह, मतलब हालीशहर और कांचरापाड़ा का एक ही जगह वो आयोजित होता था कार्यक्रम, बट इस बार अलग अलग जगह पे होगा। जैसे इस बार कांचरापाड़ा का अलग होगा, हालीशहर का अलग होगा। तो कांचरापाड़ा का 16 तारीख को पड़ा हुआ और हालीशहर का शायद 24 तारीख को पड़ा हुआ, तो ये दोनों अटेंड करना पड़ेगा। और मैं लास्ट में जब भी आई तो ना मेरे हाथ में मेहंदी लगी है ना कुछ, और सर में इतना हेडेक था कि मैं बता नहीं सकती। माने वेदू को जल्दी जल्दी सुला दिया और मेरी मेहंदी भी थोड़ी बहुत लग चुकी है आगे का, खाली सोचा मैंने पीछे लगा देते फिर आगे घूमरो करके जैसा टाइम मिलेगा वैसा करेंगे, क्योंकि दूसरा हाथ तो अभी बिल्कुल खाली। तो यही सारी चीज़ें चल रही है, देखती हूँ कब तक कम्प्लीट होता है, आज का ब्लॉगिंग कब तक जाता है और कब तक मैं इसको पोस्ट करती हूँ, देखती हूँ। 11 बजने वाले हैं और लगभग पीछे की मेहंदी मेरी कम्प्लीट हो गई है और आगे की मेहंदी अभी प्रोसेस में है। तो इतना कुछ ही लगाऊंगी, ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है मेरा, क्योंकि बस मेहंदी हो गया तो हो गया, अब एक्सेस नहीं करते इसको, यहीं पे टप करते। आगे की मेहंदी मेरी बिगड़ चुकी है जैसा कि देख सकते, पीछे की कुछ काश मेरे पसंद की लग गई है, मुझे इसी टाइप की मेहंदी पसंद है जैसा कि करवा चौथ में देख के आप पता लगा सकते थे। चलते इसको फुल एंड फाइनल करने, फिर सोते हैं और सर्गी खाने उठेंगे तो फिर दूसरे हाथ में लगा लेंगे। तो मेरी मेहंदी हो गई है कंप्लीट, इसको थोड़ा सा ही मैंने लगाया और ज़्यादा मैंने नहीं लगाया, मन भी नहीं था, बिना मन के मेहंदी ऐसे ही रचती है मेरी, जिस दिन मन नहीं हुआ जैसे भी करके। पीछे वाले में थोड़ा सा मन दे दिया तो थोड़ी सी अच्छी हो गई, बट आगे बिल्कुल मन नहीं था, अभी दूसरा हाथ बाकी है मेरा। तो फाइनली मेरा दोनों हाथ हो गया कंप्लीट। पीछे का मैं हमेशा से ही, मेरी आदत रही है पीछे का लोगों को दिखता है, इसकी वजह से मैंने थोड़ा ऐसा डिज़ाइन लगा और आगे का काम चलाने वाला लगा, जैसे भी लग गया, कौन इतना मेहनत करने जा रहा है। तो बाय बाय, गुड नाइट, अब मिलते हैं कल मॉर्निंग में।